सेशन में हम देखेंगे कि आपकी जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ या दिलचस्पी है आप राइटिंग को अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं बेचर्तः है कि आप लिखने के बारे में जानते हो और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई शायर या अदीब टाइप के ही लोग हों बहुत सारी डिफरेंट तरह की राइटिंग असाइनमेंट्स हैं कुछ हैं जिसमें लिखना आपको ज़्यादा है कुछ है जिसमें बहुत कम लिखना है अल्फाज बहुत कम है लेकिन इंटरेस्टिंगली जैसे टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट के ऊपर भी उन्होंने कहा है कई लोगों uh, ने इंप्लाईज़ ने असाइनमेंट अपने पोस्ट किए हुए कि हमें टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट में स्टोरी चाहिए जिसमें कहानी के किरदार आपस में टेक्स्ट मैसेजेस एक दूसरे को कर रहे हैं या आईटी से रिलेटेड या बहुत से जैसे आप ये देख सकते हैं हेल्थ साइंसेस ट्रैवल फूड प्रिंटिंग लाइफ स्टाइल्स आई टी नीश ये सारी चीज़ें तो ये अब ये वो वाली मार्केट नहीं रही है कि सिर्फ कोई एक खास तरह के लोगों के जो लिखेंगे कोई भी अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ वाला जो है उसको सामने रखते हुए और लिख सकता है और अपने से मुतल और अपनी दिलचस्पी के मुतल जो हैं वो असाइनमेंट्स वो लेके कर सकता है कुछ हमने एक्चुअल वेबसाइट से असाइनमेंट्स लेके आपके लिए इकट्ठे किए ताकि आपको आइडिया हो और आपकी हौसला अफजाई हो कि ये तो मेरे लिए भी है इसमें कुछ ये तो मैं भी कर सकता हूँ ये कर सकती हूँ तो लेट्स हैव अ लुक ये दो तीन महीने में एक गुरु की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो आर्टिकल्स या सॉरी जो असाइनमेंट्स पोस्ट हुए हैं वो हैं और इसी तरह जो फाइबर है या अपवर्क्स इतनी सारी और हैं उसके ऊपर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत से और भी असाइनमेंट्स अपनी मर्जी के मिल सकते हैं हेल्थ से मुतल है हेल्थ के रिलेटेड ब्लॉग्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एस्थमा ट्रीटमेंट्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन मैथड्स अदर डिजीजेज़ में ऑल्सो भी इन्वॉल्व तो ये जिनका मेडिकल में दिलचस्पी है और उसमें है आ, कोई बैकग्राउंड है और लिखने में भी और मेडिकल में वो ये कर सकते हैं टू थाउजेंड वर्ड्स डिटेल ब्लॉग ऑन इंटरमीडियंट फास्टिंग आई हैव डन द रिसर्च आई जस्ट नीड अ ग्रेट राइटर अच्छा अब अगर आप साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो उन्होंने रिसर्च कर ली है और आपने सिर्फ लिखना है तो ये बहुत सी ऑप्शन मिलते हैं कहीं ने हेडिंग्स और सब हैडिंग्स बनाई होती हैं वो कहते हैं इसको पॉपुलेट करते हैं बट लेट्स लुक आई नीड राइटर्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फोर हंड्रेड वर्ड्स ईच ऑन एलर्जीज टेम्परेचर चेंज इफेक्ट्स मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा फोर हंड्रेड वर्ड्स मेरे ख्याल में कोई आधे पेज से भी कम बनता है फोर हंड्रेड वर्ड्स बहुत छोटे होते है। हैं तो इनको छोटे छोटे चाहिए आर्टिकल जिनकी स्पेशलिटी ये है कि वो ब्रीफ़ काम कर सकते हैं वो इसमें कर सकते हैं और रिसर्च करके इसके आ, इसके लिए पिच कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं सो so, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लंबी लंबी चीज़ें किसी ने मांगी होंगी कंटेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस फॉर फेसबुक लिंक्डइन एंड द कंपनी वेबसाइट तो ये डिफरेंट तरह का उनको मवाद चाहिए लेकिन है वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो थोड़ी सी उसकी समझ इंश्योरेंस की और हेल्थ की होगी तो वो थोड़ा सा एडेड एडवांटेज होगा फ़िटनेस और फूड के बारे में भी बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं लाइफ स्टाइल ब्लाग्स ऑनलाइन हेल्थ फूड रेस्टोरेंट नीड्स अ ब्लॉगर टू राइट अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन रेस्टोरेंट्स अक्सर अपने आप को ऐसे मार्केट करते हैं कि हम बड़ा हेल्दी खाना दे रहे हैं तो उसके लिए उनको अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए लिखने के लिए कोई चाहिए तो जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो इसको देख सकता है एक्सपीरियंस राइटर टू राइट ऑन हेल्थ एंड वेलनेस गैजेट्स होम एंड होम इम्प्रूवमेंट तो ये भी उसी किस्म का है आप इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मेरा ख्याल इसमें समझाने की कोई वो ज़रूरत नहीं है फूड एंड फिटनेस में ये भी है कि उनको फ्री चाहिए ई बुक्स के लिए इंस्टेंट पॉट गाइड विथ हंड्रेड रेसिपीज डिटेल टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स विल बी प्रोवाइडेड प्लीज़ ओनली अप्लाई इफ यू आर पैशनेट अबाउट कुकिंग एंड राइटिंग ऑन हेल्दी डाइट्स तो वो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स तो आपको दे, दे देंगे लेकिन आपको इतना है कि इंटरेस्ट होना चाहिए कुकिंग में और रेसिपी बुक आपने उनके लिए ई बुक एक तैयार करनी है तो दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आप वैसे सोचें तो आप कहें कि ये इसकी शायद कोई इस स्किल की कोई मार्केट नहीं होगी लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्किल्स के लिए राइटिंग मार्केट में गुंजाइश है चैट फिक्शन स्टोरीज ये जिसका मैं आपको जिक्र कर रही थी और एलिमेंट्री इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए है एक ऐप के लिए यानी कि इसमें मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं चाहिए उनको आसान सी सिंपल सी लैंग्वेज चाहिए जो कि सभी को आती है और सभी लिख सकते हैं और उसको और चैट में तो सब फ्लूट हैं तो उसके हिसाब से फिर एक कहानी उन्होंने कहा है कोई हमें बना के दे हज़ार वर्ड्स की जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स आपस में चैट कर रहे हैं और उसमें इवेंट्स अनफोल्ड होंगे वगैरह लिरिक्स ऑफ फाइव डिफरेंट लव सॉन्ग्स गुड रिदम एंड नॉट लॉन्ग छोटे छोटे पांच गाने किसी को चाहिए तो शायर टाइप लोगों के लिए भी कुछ है लेकिन सिर्फ शायर टाइप लोगों के लिए नहीं है बहुत सी और भी चीजें यहाँ पे हैं आई नीड अ फिक्शन राइटर टू राइट अ डायलॉग बेस्ड स्टोरी फॉर एन एपिसोड ऑफ अ वीडियो गेम ये थोड़ी सी लंबी है और इसमें डायलॉग है बीच में डिस्क्रिप्शन या बाकी कोई चीज़ नहीं है सिर्फ जैसे ड्रामा होता है उसमें एक शख्स ने कुछ कहा दूसरे ने कहा वो उनको चाहिए और लाइट हार्टेड और ह्यूमरस उनको टोन चाहिए तो इसमें जो है इसका टोन का खास ख्याल रखना होगा और साएफाए का भी उन्होंने थीम मांगी है लाइफ स्टाइल वेबसाइट दैट हेल्प्स पीपल क्रिएट शॉपेबल लिस्ट वी आर लुकिंग फॉर क्रिएटिव राइटर्स टू क्रिएट लिस्ट ऑन आर साइट विद क्रिएटिव टाइटल्स इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर ईच लिस्ट तो इसमें तो जुमले लिखने भी नहीं हैं सिर्फ शॉपेबल लिस्ट तैयार करनी है और लोगों को बताना है कि आप कैसे अपने लिए वो कोई कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है कोई गैजेट खरीदना है कोई घर होम इम्प्रूवमेंट की चीज़ ख़रीदनी है कोई गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ ख़रीदनी है तो उसकी आपने शॉपिंग करने के लिए लिस्ट कैसे बना सकते हैं सो so, इसमें तो जुमले तक भी नहीं जोड़ने सिर्फ आपको आइडियाज़ चाहिए और बहुत सा आपको वो रिसर्च और एक्सपोजर चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन कौन सी शॉपिंग हो सकती है वो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी सो मिनिमल राइटिंग इन दिस राइटिंग असाइनमेंट अच्छा ये है जी शेडो राइटर इनको चाहिए और ये 200 सौ सफ़ों का नावल है उसको उन्होंने लिखाना है शेडो राइटर का मतलब होता है कि नाम आपका नहीं आएगा आपने जैसे शेडो पीछे होता है इंसान के आपने पीछे से उसको लिखा है उनके लिए और उन्होंने पूरी उसकी कहानी एक किस्म की दी है कि भई एक बिज़नेस मैन है मल्टी एक जगह से दूसरी जगह गया और उसके बारे में लिखनी है और उसकी हिस्ट्री जो है जो भी उसकी पूरी लाइफ है उसके बारे में लिखनी है तो बहुत सी आउटलाइन उन्होंने दे दी है फिर आगे से आपने इसको एज अ नावल डिवेलप करना है तो गाने भी हैं चैट स्टोरीज़ भी हैं नावल भी है बहुत सारी डिफरेंट तरह की लिखने की चीज़ें अ राइटर हुज़ बिजनेस हुज़ पैशनेट अबाउट क्रिएटिव राइटिंग एंड बिजनेस ओरिएंटेड कंटेंट टू डेवलप कंटेंट फॉर वेबसाइट्स एंड प्रूफ रीडिंग अवेलेबिलिटी टू राइट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स एंड स्टाइल्स फॉर मल्टीपल ऑडियंस इसमें लग रहा है कि कोई वो लॉन्गर इंगेजमेंट चाह रहे हैं इसलिए उन्होंने कोई क्लियरली नहीं बताया लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट्स पर डिफरेंट तरह का उनको कॉन्टेंट चाहिए तो क्रिएटिव राइटिंग भी उन्होंने कहा बिजनेस ओरिएंटेड कंटेंट भी कहा यानी आपका हो कोई बैकग्राउंड बिजनेस ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लेकिन आपकी थोड़ी क्रिएटिविटी की तरफ भी आपका रुझान हो सो दिस वन कैन बी ए गुड फिट फॉर यू तो जो भी लिखने के ख्वाहिशमंद हैं लोग मेरा ख्याल में सबके लिए कोई ना कोई चीज़ है सिर्फ ढूंढने की बात है कि उनको कोई चीज़ मिल सकती है कि हाँ ये बड़ा मजा आएगा करने का और इसके अलावा किसी ने एक ने रिक्वेस्ट किया आई नीड अ विकीपीडिया आर्टिकल रिटन फॉर अ मॉडल अ ब्यूटी ब्लॉगर एंड एक्टिविस्ट फॉर क्लिन लिविंग तो ये जो जिसके बारे में लिखना है आ, ये विकी पीडिया उनके बारे में बताया है कि उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है क्या पर्सनैलिटी प्रोफाइल है और आपने विकी पीडिया लिखना है विकी पीडिया अगर आपने लिखना होगा ऑब्वियसली आप इस तरह के लोगों के बाकी लोगों के विकी पीडिया पोस्ट देखेंगे फिर सोचेंगे कि अच्छा वही स्टाइल में वो लिखा जाएगा ज़ाहिर है ये रिपोर्ट की तरह या किससे या कहानी की तरह नहीं लिखा जाएगा इसका अपना बिल्कुल स्टाइल है अच्छा अ राइटर टू फोन इंटरव्यू सेवन पीपल टू गेट अ व्यू ऑफ हु द इंडिविजुअल वॉज एंड वॉट ही रिप्रेजेंटेड टू इज़ प्रोफेशन कम्युनिटी एंड नेशन यानी उन्होंने किसी एक शख्स के बारे में रिसर्च करनी है और सात लोगों को फ़ोन आप करेंगे जब आपको ये असाइनमेंट अगर मिलेगा और उस शख्स के बारे में आप पूछेंगे कि उनके क्या व्यूज़ हैं और इसलिए आपको इंटरव्यू के स्किल्स जो हैं वो भी होने चाहिए सवाल कैसे पूछने हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करना है उनको कंपाइल कैसे करना है उसमें से थीम्स कैसे निकालनी हैं और फिर उसको आ, किसी रीडेबल फॉर्म में कैसे लेके आना है तो ये एक इंटरेस्टिंग है जिसमें जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं इंटरव्यू करके लोगों से कोई इन्फॉमेसन निकालने के स्किल्स अच्छे हैं उसके लिए ये हो सकता है बुक रिव्यूज़ टू मेक दम मोर इंटरेस्टिंग डिलीट रिपिटेशन एक्सेट्रा किसी शख्स ने कोई किताब लिखी है अब वो चाह रहा है कि कोई उसको देख के एडिट कर दे और उसको बेहतर बना दे कोई अच्छी चीज़ें सजेस्ट कर दे रिव्यू एंड अपडेट वेबसाइट कॉन्टेंट सो ये रिव्यू से मुतल हैं कुछ uh, ये असाइनमेंट्स जो हैं वी आर एन ऑनलाइन कैबिनेट्री सप्लायर वी नीड अ राइटर फॉर ब्लॉग पोस्ट कॉपी फॉर आर साइट ई मेल्स फॉर आर कैम्पन्स कैबिनेट्स होती हैं जो खाने जैसे किचन वगैरह में खाने जो लगे होते हैं उसको बनाने वाले हैं और इन्होंने अपने लिए कोई ब्लॉग राइटर इनको चाहिए और अपने इनको ऑनलाइन कॉन्टेंट के लिए कोई लिखने वाला चाहिए तो जिसको कारपेंट्री में इंटरेस्ट है चीज़ें बनाने में चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में होम इम्प्रूवमेंट में और लिखने में तो वो इसको कर सकते हैं नीच टॉब्स ये हैं जो अजीब यूनिक से बिल्कुल कोई मेन स्ट्रीम इतनी बड़ी एरिया का हिस्सा नहीं है तो ये इसमें इसके अंडर हमने ये कीनी है सो दिस इज इंटरेस्टिंग इन इट्स ओन वे आर्टिकल राइटर्स ऑन किचन इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स होम इम्प्रूवमेंट पावर टूल्स एंड अप्लायसेज आई नीड अ राइटर फॉर अ कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ लॉजिस्टिक्स कंपनी ऑल पॉइंटर्स विल बी गिवन टू यू नीड अ पर्सन हु हैज गुड वोबलरी सो अगेन देर आर लॉट्स ऑफ दीज जिसमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपने उसको अच्छी तरह साफ सुथरा करके पेश करना है आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लॉग राइटर फॉर आई वेडिंग फोटोग्राफी वेबसाइट ये बहुत इंटरेस्टिंग है टू राइट वेडिंग रिलेटेड आर्टिकल्स इंडियन एंड मुस्लिम वेडिंग एक्सपीरियंस इज अ प्लस तो ये हो सकता है किसी ऐसे खत्े से ये आई हो ये जहाँ पे कि इंडियंस और मुस्लिम ज्यादा हों या इनकी ऑडियंस वो हों जहाँ पे इंडियंज और मुस्लिम ज्यादा हैं उनकी फोटोग्राफी करते हैं तो उससे रिलेटेड इनको ब्लॉग राइटर चाहिए अब ये एक और बहुत ही फ़नी असाइनमेंट uh, था जो बियर्ड यानी कि दाढ़ी के बारे में एंथुजियास्टिक लोग हैं उनके लिए ये राइटिंग असाइनमेंट है कि उनका जो है ये सारा इनका काम जो है वो उन्हीं के लिए इनकी टारगेट ऑडियंस वही है यानी कि जो दाढ़ी वाले मर्द हैं उनके लिए ये लिखते हैं इफ़ यू आर अ बियर्ड एंथूजियास्ट विद अ स्पेशल अप्रिसिएशन फॉर द रिटन वर्ड यू आर गाय वी नीड इंगेजिंग एंड विटी राइटिंग दैट आल्सो कन्वेज़ फैक्चुअल एंड हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन सो जो लोग दाढ़ी रखते हैं उसमें कोई दाढ़ी के फैशंस होते होंगे उसकी केयर होती होगी सेहत से मुतल फैशन से मुतलिक जो भी है तो दाढ़ी से रिलेटेड लिखने वाला उनको चाहिए यू वुड हैव थाट इसके बारे में कभी कोई शायद अपॉर्चुनिटी ना हो लेकिन इसके बारे में भी है इंटरनेट इतनी अमेजिंग जगह है अब उसी तरह की एक और यह है डॉग प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं डू रिसर्च एंड डॉग फूड ब्रांड्स डॉग स्टफ़ एंड अदर ट्रेंड्स तो ये पेट्स और डॉग से मुतल एक असाइनमेंट है फिर एक साइकियाट्रिस्ट हैं उन्होंने आर्टिकल्स लिखने हैं साइकियाट्री के बारे में और उन्होंने कहा बैकग्राउंड इन नेचुरल हेल्थ एंड साइंटिफिक जर्नल आर्टिकल इंटरप्रिटेशन इज़ अ मस्ट यानी आर्टिकल्स जो साइंटिफिक uh, जर्नल्स में आते हैं उसको पढ़ के उसमें से आपने मतलब निकाल के और फिर इनके लिए मवाद तैयार करना है जो कि uh, आसान और लेमैन के लिए हो तो ये साइकियाट्रिस्ट uh, जो हैं इस इस बैकग्राउंड के लोगों के लिए अच्छा है लाइफ स्टाइल में बहुत सी चीज़ें ट्रैवल फ़ैशन इस तरह की चीज़ें आती हैं ट्रैवल और वेकेशनस के ऊपर बहुत सी रिक्वेस्ट्स हैं बहुत सारा काम है भी ब्लॉग्स ऑलरेडी भी हैं फिर ये है डिफरेंट सिटीज़ कंट्रीज़ और कुजीन्स और उनके यूनिक एक्सपीरियंसेस के बारे में उन्होंने लिखने का मांगा है साथ है लाइफ स्टाइल टॉपिक्स कैन बी लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट रिव्यूज़ हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैवल रिलेशनशिप्स अब देखिए इसमें उन्होंने कहा टॉपिक्स कैन बी फिक्स नहीं है इसका मतलब है कि अगर आपका अपना मताला और एक्सपोजर है इतना तो आप अपनी मर्जी से इसमें इसके अलावा भी उनको रेकमेंड करके और अपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सकते हैं तो इसमें उन्होंने एक लिस्ट दी है लेकिन ये एग्जॉस्टिव या हतमी लिस्ट नहीं है ये ब्लॉग राइटर टू राइट थ्री टू फोर पैराज ऑफ फन प्रोफेशनल थाट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स ठीक है इसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी आउटलाइन टाइटली डिफाइन नहीं की है और तीन से चार पैराज़ का यानी छोटा छोटा कॉन्टेंट उनको चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो और बहुत से टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं प्लेस टू विजिट बिजनेस ट्रैवलिंग न्यू ट्रेंड्स न्यू ट्रेंड्स किसी भी चीज़ में हो सकते हैं खाने में फ़ैशन में गैजेट्स में अच्छा so, पेरेंटिंग और बच्चों के लिए चीज़ें जो हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं एक है आई नीड अ क्वालिटी राइटर टू राइट पेरेंटिंग आर्टिकल्स एंड किड प्रोडक्ट गाइड यानी कि बच्चे पालने के बारे में और बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं उसकी गाइड हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है ये अच्छा नहीं है ये वाली चीज़ें मिल रही हैं अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि क्या मिल रहा है तो उनके लिए एक गाइड होगी आई नीड अ राइटर फॉर माई ब्लॉग एंड पेरेंटिंग चिल्ड्रन सेफ्टी एक्टिविटी बेबीज ग्रोथ सिमिलर है ये अच्छा ये एक है बच्चों के लिए एजुकेशनल उन्होंने कॉन्टेंट एक किस्म का मांगा है जिसमें उनको सिखाया जाए स्पेलिंग जियोग्राफी मैथ्स वगैरह के बारे में और ये कि फ्रेंडली टोन में और ऐसे लिखा जाए कि बच्चों के लिए इंगेजिंग हो तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कंटेंट दुरुस्त हो और सारी उसमें फैक्ट्स ठीक हों बल्कि ये कि बच्चों को पसंद आए और अपनी तरफ अट्रैक्ट करें दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एक मैथ्स की किताब नाइन्थ या टेंथ क्लास की उसके लिए एक चैप्टर उन्होंने लिखवाना है ये भी उससे रिलेटेड है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी और क्राफ्ट और आर्ट वर्क जो बच्चे करते हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखवाना है सो so, ये टीचर्स या आर्टिस्ट या जो इससे मुंसलिक लोग हैं वो इसमें uh, कुछ करके दिखा सकते हैं a 600 to 800 word blog on any topic in a motivational tone you will be acknowledged as the author acha अच्छा ये भी है to तो नहीं है लेकिन इसमें हो सकता है आपको पैसे वो कम दे रहे हो लेकिन आपका नाम वहाँ पे आएगा तो helps you build your portfolio so ye ये भी सारी aapke आपके लिए hai है कि कौन मेरा नाम दे रहा है और nahi नहीं होता waise वैसे नहीं होता लेकिन कोई अगर दे रहा है तो it's interesting इंटरेस्टिंग और अगेन ओपन एंडिड है बिल्कुल उनको मोटिवेशनल टोन में कोई भी चीज़ चाहिए तो आपने अगर जितनी कोई अच्छे आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपके पास उतने अच्छे आइडियाज़ होंगे उनको सजेस्ट करने के लिए कि भाई मैं इन इन टॉपिक्स पे लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ सेल्फ अच्छा इनको आर्टिकल्स चाहिए ऑन सेल्फ डायरेक्टेड कोर्सेज और ये किस तरह सेल्फ डायरेक्टेड कोर्सेज जो हैं थेरेपिस्ट्स को और लाइफ कोचेज को रिप्लेस कर रहे हैं जैसे कि ये जो डिजी स्किल्स के कोर्सेज हैं ये भी एक किस्म के रियल लाइफ टीचर्स को हो सकता है किसी हद तक रिप्लेस कर रहे हो उसके अलावा वो एक शख्स हैं जिनको चाहिए डेवलप अ गाइड विद एक्शनबल टिप्स शोइंग सेवन गोल्डन रूल्स ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव वूमेन हर रूल जो है वो फोर हंड्रेड वर्ड्स का होगा और सेवन रूल्स लिखने प्रोडक्टिव ख़ोन के जो इफेक्टिव हैं सक्सेसफुल हैं ख़ीन उनके बारे में सो so अगेन अगर आपने इफेक्टिव लोगों के बारे में और ख़ोतिन के बारे में पढ़ रखा होगा या इन्फॉर्मेशन ली होगी तो आप ये कर सकते हैं और यू कैन रिसर्च इट वेन यू हैव टू डू इट अच्छा ये जो है ये आर्टिकल का टाइटल और सब टाइटल्स देंगे लेकिन रिसर्च आपने करनी है और इसमें बिज़नेस रिलेटेड आर्टिकल है और इसमें आपने रिसर्च करके 500 से हज़ार वर्ड्स का आपने आर्टिकल के उनको देना है कंपनीज के रिव्यूज़ हैं और उन्होंने कहा यूनिक होने चाहिए यानी कि और ये भी अक्सर ने लिखा हुआ है कि कापीज़ के ऊपर हम चेक करेंगे कि जो आपका काम है वो प्लेजराइज नहीं होना चाहिए इधर से उधर उठा के आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका अपना पोर्टफोलियो फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए ख़राब हो जाएगा सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट तो इन्होंने भी ये कहा है कि यूनिक कॉन्टेंट होना चाहिए अब इनके पास बिजनेस प्लान है और इनको कोई शख्स चाहिए अच्छे इंग्लिश स्किल्स और करेक्ट ग्रामर वाला जो कि उसको प्रॉपर एक प्रेजेंटेबल फॉर्म मिलेगा राइटर्स टू तो राइट इंस्पिरेशनल एंड इंस्ट्रक्टिव कॉन्टेंट फॉर एंटरप्रीनियोर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंटरप्रीनियोरशिप का बहुत पाकिस्तान में भी स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा है और उनके लिए इन्होंने लिखने के लिए कहा है आईटी रिलेटेड टॉपिक्स पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी समझ होगी तो इसमें उन्होंने कुछ उसके बारे में बताया हुआ है कि एस ई ओ एस एम एम पी पी सी डिजिटल मार्केटिंग और इसको आप रिसर्च करें और लेकिन ये कि सिर्फ फैक्ट फैक्ट आपने नहीं लिखने बल्कि इंगेजिंग होना चाहिए ये चीज़ सारी चीज़ों में कॉमन है कि उनको इंगेजिंग कॉन्टेंट चाहिए जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे ड्राई ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केटिंग ऑनलाइन इनकम एट सी शॉप्स ऑनलाइन कोर्सेज पिंट्रस्ट ब्लॉगिंग इन सब चीज़ों के बारे में उनको आर्टिकल लिखवाने के लिए कोई चाहिए फिर इनको कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में फ़ोन्स पीसी के लिए जो एप्स हैं एंड्रॉयड और विंडोज सबके बारे में सो जिसको इन्फॉमेसन अच्छी है इन चीज़ों के बारे में वो लिख सकते हैं आप रिसर्च तो कर सकते हैं कोई भी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए लेकिन थोड़ा सा जो आपका बैकग्राउंड होगा इट विल बी ईजियर और आपके लिखे हुए में डेप्थ होगी उसके लिए जैसे मैं ये आर्टिकल के लिए रिसर्च करूँ तो मैं आई विल नेवर बी एबल टू मैच जिस शख्स की पहले से इन्फॉर्मेशन है या जो ओवर द ईयर्स वो इसमें दिलचस्पी लेता रहा है अच्छा वेब होस्टिंग रिव्यूज़ उन्होंने लिखवाने हैं और किस तरह फोटोग्राफी वेबसाइट बन सकती है उसके बारे में उन्होंने कंटेंट लिखवाना है तो ये सारी जॉब्स पोस्ट हुई हुई हैं और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ़ एक वेबसाइट के ऊपर तीन चार माह के अंदर हुई हुई हैं अगर आप और भी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या कौन कौन से असाइनमेंट्स हैं तो ये ज़रूर है कि आपको अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट और अपनी जो एक्सपर्टीज़ का लेवल है उसके मुताबिक कोई ना कोई असाइनमेंट ज़रूर मिल जाएगी और आप उसके लिए फिर पिच करें एंड गुड लक विद डेट